आज चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, कोई डॉक्टर हो, वकील हो, आर्किटेक्ट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, LIC के एजेंट हो, कोई पॉलिसी बेचते हो या मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हो, डायरेक्ट सेलिंग करते हो किसी भी कंपनी की, आप कोई भी हो, आपको अपना डिजिटल इकोसिस्टम बनाना जरूरी है। अगर आप एक बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल है या कोई भी तरह का काम करते हैं, नॉलेज सीख कर आप सबसे पहले अपना इकोसिस्टम क्रिएट करो कि जो आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसके लिए। तो सबसे पहले तो ये समझ लेना कि ऑर्गेनिक ग्रोथ के पीछे टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि ऑर्गेनिक डेफिनेटली काम करता है बट इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसीजर। और कहते हैं ना कि भूखे पेट भजन ना हुई। एज अ कोच, एज अ कंसल्टेंट, एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड, एज अ जब लोग वन मैन मॉडल फॉलो करते हैं, मेरा मतलब है वन मैन मॉडल जो हमको कुछ नहीं आता, हम तो सिर्फ ना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम नए हैं, हमको डिजिटली कैसे क्या करना चाहिए। सो जैसे आपने कंसल्टेंट बने, आप कोच बने, मैं कोच हूँ, हम सब लोग एक अपनी नॉलेज के दम पर नॉलेज टर्न इनटू द मनी कर रहे हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन बींग, डॉक्टर है, लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक तो ये प्रोफेशन हो गए, और एक एज अ वन मैन मॉडल जो नया आते हैं नया सीखने के लिए, कितने तरह के स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी से वो विद इन अ फ्रीलांसिंग से कैसे पैसा जनरेट कर सकते हैं, क्या क्या आपके हिसाब से, जैसे आपकी कम्युनिटी में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो पैसा जनरेट कर रहे हैं, क्या आप एक मॉडल समझाते हैं उन्हें, ताकि आज इस पॉडकास्ट से और लोगों को भी मदद मिले कि अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं कुछ भी ऑनलाइन, तो हम नए नेक्स्ट लेवल पर ये स्टेप्स चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यूजुअली जो अपने स्टूडेंट्स को एक मॉडल समझाता हूँ उसे एक्सप्लेन करता हूँ। आज चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, कोई डॉक्टर हो, वकील हो, आर्किटेक्ट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, LIC के एजेंट हो, कोई पॉलिसी बेचते हो या मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हो, डायरेक्ट सेलिंग करते हो किसी भी कंपनी की, आप कोई भी हो, आपको अपना डिजिटल इकोसिस्टम बनाना जरूरी है। इसके लिए डिजिटल का जो बेसिक नॉलेज आप दे रहे हो यदु, ये लेना बहुत जरूरी है। अब मैं इसे स्ट्रक्चर किस तरीके से करता हूं, ये दो पार्ट में समझाता हूं। सबसे पहले तो आप नॉलेज हासिल करो पूरा का पूरा डिजिटल का, और उससे आप अपना इकोसिस्टम क्रिएट करो। इकोसिस्टम क्या है? सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट बनाओ, ठीक है, वेबसाइट बनाना सीखो खुद, वर्डप्रेस पर या जो भी प्लेटफॉर्म पर अपनी वेबसाइट कैसे बनाओगे वो सीख लो, अपना डिजिटल प्रेजेंस क्रिएट करो। अब एक बार वेबसाइट बन गई, ये वेबसाइट लोगों को कैसे पता चलेगी कि आपकी वेबसाइट कौन सी है? तो इसे गूगल के साथ जोड़ो, गूगल को समझना शुरू करो, गूगल को सीख लो। फिर आती है बात कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक कैसे आएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे आएंगे। दो रास्ते हैं, एक है पैसे खर्च करके, एक है बिना पैसे खर्च किए। पहले बताता हूं बिना पैसे खर्च किए क्या करोगे। बिना पैसे खर्च किए आप सबसे पहले अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करोगे, सोशल मीडिया पे कंटेंट डालोगे इंटरेस्टिंग सा, तो लोग उसे देखकर आपकी वेबसाइट पे आना शुरू करेंगे। अब कंटेंट डालना है तो कंटेंट बनाना भी तो सीखना पड़ेगा। तो कंटेंट बनाना सीखो, फिर उसे सोशल मीडिया पे डालना सीखो, सोशल मीडिया का हर प्लेटफॉर्म सीख लो, ताकि लोग आपके वेबसाइट या आपके फनल या जो भी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है उसमें लोग आना शुरू हो जाए बिना पैसे खर्च की। दूसरा तरीका है, आप गूगल का और यूट्यूब का सही इस्तेमाल करना शुरू करो। अब गूगल और यूट्यूब पर लोग जाते हैं सर्च करने अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस। अगर आप वहां पर वैलिड कंटेंट डालना शुरू करोगे तो ये सर्च इंजन आपकी तरफ लोगों को भेजना शुरू करेगा। अब ये दोनों तरीके हैं बिना पैसे खर्च किए लोगों को अपनी वेबसाइट पे लाने के। फिर आता है तरीका पैसे लगाकर लोगों को बुलाना, ये है एडवर्टीजमेंट। आप सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर एड लगाना सीखो, आप सर्च इंजन यानी गूगल, यूट्यूब पर एड लगाना सीखो, और लोगों को अपनी वेबसाइट पे बुलाओ थोड़ा सा खर्चा करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब होता क्या है, दो पार्ट समझ लो। पहला, अगर आप एक बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल है या कोई भी तरह का काम करते हैं, नॉलेज सीख कर आप सबसे पहले अपना इकोसिस्टम क्रिएट करो कि जो आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसके लिए। कोई भी आपका काम हो, जरूरी नहीं है कि वेबसाइट बनाई है तो उस पर कुछ ना कुछ बेचना ही है। अब मैं साड़ियों का होलसेलर हूं,
मैं डिजिटल मार्केटिंग दुनिया को सिखाता हूं, लेकिन मैं अपनी वेबसाइट पर साड़ियां नहीं बेचता, क्योंकि जब तक मेरी दुकान में साड़ी खुलेगी, उसका फोटो निकालूंगा, उसे वेबसाइट पर डालूंगा, लोग देखेंगे, खरीदेंगे, तब तक तो मेरी दुकान से माल चला जाता है। तो होलसेल बिजनेस के लिए वेबसाइट पर साड़ियां बेचना इज नॉट सूटेबल। कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जरूरी नहीं है हर किसी ने ऑनलाइन बेचना ही है। आप अपना प्रेजेंस क्रिएट करो, आप सोशल मीडिया को जोड़ो ताकि लोग आना शुरू करें, आपको जानना शुरू करें, आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस बढ़े। अगर आप डॉक्टर हैं, वकील हैं, तो आप यही प्रेजेंस क्रिएट करके लीड जनरेट कर सकते हैं। लीड जनरेट करने के लिए आप अपनी वेबसाइट पे कुछ फ्री वाला आइटम दे दो, भाई मैं आपका फ्री चेकअप कर दूंगा, मैं आपको फ्री कंसल्टिंग कर दूंगा। आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दे दो, उनका डिटेल हासिल करो, आप अपनी लिस्ट जो है वो जनरेट करना शुरू करो। आहिस्ते आहिस्ते समूह बन जाएगा, ट्राइब बन जाएगी, आपके लाइफ टाइम के कस्टमर्स उसमें आपको दिखाई देंगे। अब ये तो है सारी बात एग्जिस्टिंग बिजनेस और जॉब्स को डिजिटाइज करने की। अब इस प्रोसेस में होता क्या है? इस प्रोसेस में मजे की बात यह है कि आपने पूरा डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया है, आपको वेबसाइट बनाना आता है ना, फ्री टाइम में लोगों के लिए बनाओ, आपको एड लगाना आता है ना, लगाओ दूसरे लोगों के लिए एडवर्टीजमेंट। मैंने एक एक्सपेरिमेंट रन किया, मैंने अपने स्टूडेंट्स को जब डिजिटल मार्केटिंग सिखाया, मुझे कई बार लोग कहते थे सर इससे पैसे कैसे कमाएं। मैंने कहा सबने एक प्रैक्टिकल चीज करनी है, अभी यहां से निकलो, अपने घर से जो भी बाजार है आपके आसपास वहां जाओ, सबसे ज्यादा बिजनेस कौन कर रहा है, सबसे ज्यादा कस्टमर्स किसके पास है वो देख लो, उसकी दुकान के बाहर खड़े हो जाओ और सर्च करो उसकी दुकान का नाम गूगल पे दिखता है क्या। अगर नहीं दिखता है ना, तो वो सेठ जी से जाकर मिलो, उसको कहो कि सर आपका बिजनेस बढ़ सकता है, आपका डिजिटल इकोसिस्टम है ही नहीं, जब गूगल आपको नहीं ढूंढ पा रहा है तो कस्टमर कैसे ढूंढेगा। एक मैंने शुरू हो गई आपकी फ्रीलांसिंग, मैंने उनको पिच बना के दिया, एजेंसी नहीं है, फ्रीलांसिंग ही है अभी तक। मतलब एक एजेंसी मॉडल में वो आ गए, अपना बता सकते हैं इन फ्यूचर की, आप उन्हें नॉलेज दो कि ये कर सकते हो और अपनी सर्विसेज ऑफर करो। बिल्कुल, सर मैं आपका वेबसाइट बना देता हूं, मैं आपका एसईओ कर देता हूं, मैं आपका ये पूरा इकोसिस्टम डिलीवर करता हूं। मेरे स्टूडेंट्स ने उस दिन मिनिमम 10,000 रुपए से लेकर लाख लाख रुपए के कस्टमर्स क्लोज किए, मिनिमम 2। जिसने जिसने बाहर कदम रखा, हर किसी के पास कम से कम 2 कस्टमर्स थे। तो ये इतनी सिंपल स्ट्रेटजी है, तो मतलब फ्रीलांसिंग कोई भी कर सकता है। अभी तक तो 10% भी मार्केट है ना ऑनलाइन नहीं आया है, तो बहुत बड़ा परसेंटेज बोल दिया आपने 10, मेरे हिसाब से 2-4% भी मार्केट जो है वो डिजिटलाइज नहीं है। और इसका प्रैक्टिकल अनुभव कर सकते हो ना, बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, जो दुकान दिखती है उसका नाम डाल के देखो, नहीं है, दूसरे का नाम डाल के देखो, नहीं है। तो ये सब आपके कस्टमर्स हैं। एक्चुअली ये आप ये बिजी हैं फोन चलाने में, टाइम पास करने में, ये बिजनेस जो रिटेल के, दे आर बिजी इनटू द डेली ऑपरेशंस, इनको बोल सकते हैं कि इनको वो एक दुकान के बाहर की दुनिया नहीं दिखती है कि कस्टमर्स कैसे, फुटफॉल के अलावा कैसे आएगा। सो जो फ्रीलांसर्स हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी इस तरह से है। सेकेंड, जैसे सपोज मार्केटिंग का जो मेरा क्वेश्चन रहेगा कि सपोज मार्केटिंग जीरो से आपके बजट्स कैसे स्पेंड होने चाहिए, लाइक अभी ये हम पूछ रहे हैं उन लोगों के लिए जिनका कोच है, जो कोच हैं, कंसल्टेंट हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो एक लेवल आगे हैं, हाउ दे फाइंड आउट द ROAS, मतलब जिन्हें नहीं पता है कि आपने पैसा इतना डाला, आपका 3 निकल रहा है, 5 निकल रहा है, या सेकेंड ROI कितना आता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ताकि वो रैपिडली ग्रो कर पाएँ, 0-2 crore की जर्नी पर पहुँच पाएँ, वो थोड़ा सा आप बताएँ, ताकि उन लोगों को इस पॉडकास्ट से ये भी मदद मिलेगी, यस मैं एक्सट्रीम लेवल पर हूँ, मुझे अब ग्रो करना है, वो कैसे कर सकते हैं। तो आपका जो भी पर्सनली जो भी आपने सीखा है वो थोड़ा सा समझाएं। ओके, तो अगर आप मानकर चलो एक ट्रेनर हैं, कोच हैं, नॉलेज गिवर हैं, या इस तरह के डिजिटल प्रोडक्ट्स में आप डील करते हैं, तो सबसे पहले तो ये समझ लेना कि ऑर्गेनिक ग्रोथ के पीछे टाइम वेस्ट मत करना। यस, क्योंकि ऑर्गेनिक डेफिनेटली काम करता है, बट इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसीजर, ट्रैप है क्या? और कहते हैं ना कि भूखे पेट भजन ना हुई। तो आप भजन कर रहे हो, मतलब आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक को बुला रहे हो, लेकिन जब तक आपका पेट भरा रहेगा तब तक भजन निकलेगा, जैसे पेट खाली हो जाएगा भजन नहीं हो पाएगा। तो
पेट भरने के लिए इट इज इमीडिएटली रिक्वायर्ड कि आप थोड़ा सा पैसा एड्स में स्पेंड करना शुरू करें ताकि आप अपने प्रोडक्ट सेल कर पाए, आपको थोड़े से पैसे मिलना शुरू हो जाए, प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाए, तो यू विल बी एबल टू डू दिस ऑन अ लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी. अब एड्स में कितना पैसा खर्च करना चाहिए, ये बड़ा कॉमन सवाल होता है कि सर मैं जस्ट स्टार्ट कर रहा हूं, मैंने अभी शुरू किया है, या मैं नया हूं, मैं डरता हूं मेरा पैसा कहीं खर्च ना हो जाए. मैं सिंपल टेक्निक बताता हूं, आप दिन का 1,000 रुपया खर्च करना शुरू करो. आज मरी से मरी हालत में कोई भी बिजनेस के बारे में आप सोचोगे ना कि मुझे ये बिजनेस करना है, उसका बोर्ड बनाने जाओगे ना तो भी 10,000 रुपया खर्च हो जाएगा. तो जब नॉर्मल बिजनेस के लिए आप नहीं सोचते तो डिजिटल बिजनेस के लिए थोड़ी तो कॉमन सेंस यूज करो. कम से कम 1,000 रुपया आप पर डे स्पेंड करना शुरू करो फेसबुक एड्स पर, गूगल एड्स पर, लीड्स जनरेट करो और उन्हें अपने फनल में ले आओ. एक मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी डिसाइड करो कि आप उनसे संपर्क कैसे करोगे. व्हाट्सएप पर करोगे, ग्रुप में करोगे, वेबिनार में बुलाओगे, कॉलिंग करोगे उन्हें, जो भी आपका स्ट्रक्चर है वो बना लो पहले कागज पर. अब मैं रेकमेंड करता हूं कि ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपने कम से कम 3 महीने रिजल्ट को ध्यान में नहीं लेना चाहिए. हार नहीं मानते कम से कम लोगों के माइंड में आज का रिजल्ट 90 डेज, मैं कहता हूं 90 डेज आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि 90 डेज आप पैसे डालते ही रहोगे कुछ निकलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है. मानकर चलो आप 1,000 रुपया रोज स्पेंड कर रहे हो और हफ्ते में 1 या 2 वेबिनार कर रहे हो, लोगों को बुला रहे हो, पहले वेबिनार में कुछ नहीं बिकने वाला. ये मैं लिख कर दे सकता हूं. अगर आपने कुछ सेल की, आपको कुछ प्रॉफिट हुआ तो वेरी गुड. एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये है कि पहले 4 वेबिनार आप स्ट्रगल करने वाले, क्योंकि आपको यही नहीं पता मैं कैमरा में देखूं, लैपटॉप पे देखूं, माइक मेरा सही है, वायर गिर रही है, इंटरनेट पे क्या हो रहा है, किसी ने कमेंट डाल दिया, कुछ हो गया, आपकी वाइब्रेशन खराब हो गई, आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि हो क्या रहा है लाइफ में. तो पहले सेटल होने के लिए अपने आप को 4-5 वेबिनार दे दो और वहां पर सिर्फ फोकस होना चाहिए, लोगों को वैल्यू दो. माल बिकेगा नहीं बिकेगा वो बात की बात है. ये 4-1 वेबिनार में जब आप थोड़े से कंफर्टेबल हो जाते हो तो अपने लोगों से फीडबैक लेना शुरू करो. आई कैन गारंटी यू अगर आप ये 4-5 वेबिनार कर लेते हो ना, 6-7 वेबिनार से आपकी सेल होनी शुरू हो जाती है. ठीक है. अब आता है मैटर कि आप जो इनपुट दे रहे हो कम से कम वो निकलना शुरू हो. पहला महीना तो लॉस मानकर चलो, पहला महीना यानी 25-30 हजार रुपए आपने डाल दिया, आपको कुछ नहीं मिला. दूसरे महीने में आप एड स्पेंड कर रहे हो 1,000 रुपया, अब वो निकलना शुरू हो गया. कभी एक प्रोडक्ट बिका, कभी दूसरा बिका, कभी 2 बिके, कभी 4 बिके. आप देखोगे कि सेकेंड मंथ के एंड में कहीं ना कहीं आप अपनी एड कॉस्ट रिकवर कर रहे हो उस महीने के लिए. पहले वाला लॉस वैसा ही है, सेकेंड मंथ में यू आर जस्ट रिकवरिंग योर कॉस्ट. थर्ड मंथ में कहीं जाकर आपको थोड़ा सा पैसा ज्यादा निकलना लगता है और थर्ड मंथ के एंड तक आप पहले महीने का कर्जा जो है या जो भी आपने इन्वेस्ट किया है वो निकलता है. अब ये वो पॉइंट है जहां पर आप 1,000 रुपया जो डाल रहे थे उसे आप 2,000, 3,000 या 5,000 के ब्रैकेट तक ले जाओ. क्योंकि यहां पर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप प्रॉफिटेबल हो, आप नुकसान नहीं कर रहे हो, तो आप बजट बढ़ा सकते हो 3,000-5,000 तक पर डे. और ये पैसा कहां से आएगा, ये आप ही के फनल से निकल रहा है, आपको अलग से इनपुट करने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ पैसा घर मत ले जाओ, जो आप प्रोडक्ट्स बेच रहे हो उससे जो पैसा आ रहा है री इन्वेस्ट करो उसे अपने एड्स के अंदर. हैव पेशेंस. क्या होता है कई बार हमारे पास पैसा आ जाता है, हमें लगता है वाह पैसा आ गया, अब गाड़ी लूंगा, ये लूंगा, वो लूंगा. नहीं, पहले बिजनेस को स्टेबल करेंगे. ये एड स्पेंड आप 5-1 हजार रुपए तक ले जाओ पर डे. महीने का 1.5-1 लाख रुपए एड्स पर स्पेंड करो, यहां पर आपको 2-3-4 लाख रुपए मिलना शुरू हो जाता है गारंटीड. एंड दिस इज द जोन जहां पर आप अपनी फिजिकल बिजनेसेस की दुनिया में जितना पैसा कमाते हो वो आप डिजिटल दुनिया में कमाना शुरू करोगे. टाइम आपने स्पेंड किया है 6-8 महीने. सो कम टू दिस कि ये एक प्रोसेस है. ऐसा नहीं है कि एक बटन दबाओगे 1 करोड़ रुपया ऊपर से गिरेगा. अगर ऐसा कोई बटन होता तो इस समय संदीप बंसाली और यदु बैठ के वो बटन दबा रहे होते. सो इट्स अ प्रोसेस, आपको इसमें से गुजरना पड़ता है. स्टेप बाय स्टेप आपको इंक्रीज करना पड़ता है अपना एड स्पेंड.
एट द सेम टाइम आपका जो एफर्ट है वो कंसिस्टेंट होना जरूरी है. आज हमने यदु को सुन लिया, संदीप को सुन लिया, जोश में है, हम करने जाएंगे, फिर दूसरे दिन जोश निकल गया, फिर सोचते रहते यार आज मूड नहीं है, आज ये नहीं है, आज वो नहीं है. सो यू हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट. आप इसे अगर बिजनेस की तरह ट्रीट करोगे तो ये आपका बिजनेस बनेगा. आप इसे सिर्फ हॉबी की तरह ट्रीट करोगे तो ये आपका हॉबी ही रहने वाला है, वो कभी आएगा कभी नहीं आएगा. Yes. Great. तो ये सिस्टमैटिक तरीका है ग्रो करने का. यदु, तो ये जो आपने बताया कि पूरा स्टेप बाय स्टेप 1000 स्पेंड करने के बाद में आरओआई आरओएस को थोड़ा सा छोड़ो, ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान दो, लाइक एक जो स्टार्टिंग में एंटरप्रेन्योर है जिनके माइंडसेट में ये था कि मेरा पैसा चला जाएगा, आएगा नहीं या कैसे, उनके लिए सीरियसली एक बहुत अच्छा आंसर दिया आपने. सर मैं आपसे अभी लास्ट में एक पूरा समराइज करना चाहूँगा कि अगर कोई भी इंसान अपनी जो बिजनेस की जर्नी ऑनलाइन लेकर आते हैं, उस पूरी जर्नी का जो भी एक सार निकल कर आया इस पॉडकास्ट से कि आपको एक लर्निंग वाले फेज में चाहिए जाना, वहाँ से सीखना चाहिए, अपने स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करते रहें. पर लोग क्या करते हैं, एक जो आपके और मेरे सेम मेंटर कहते हैं एक बात कि आपको अगर फॉलो करना है तो एक को करें, आप सब जगह से सब कुछ नहीं सीख सकते, लाइक आपकी कोई रेसिपी नहीं बन पाएगी. तो ज्ञान क्या हो रहा है अभी ऑनलाइन भी बहुत अवेलेबल है, गूगल पर अवेलेबल है, यूट्यूब पर है, और लोगों को ऐसा लगता है कि चलो मैं एक क्लिक कर रहा हूँ मुझे वो चीज़ मिल रही है, इधर से वो मिल रहा है, दैट इज़ ओके, ये चीज़ सीख ली ना बस. अब क्यों लोग सफल नहीं है विदाउट मेंटर, बिकॉज ये सबसे बड़ा जानना ज़रूरी है कारण कि अगर इस डिजिटल स्पेस में आपके मेंटरशिप आप फॉलो नहीं करते हैं सो यू कांट ग्रो इन योर बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयड, फ्रीलांसिंग, कुछ भी आप नहीं कर पाते हैं. सो आपके लिए आपके मेंटर्स कितना इम्पॉर्टेंट रखते हैं, जैसे लाइक सेम मेंटर हम फॉलो कर रहे हैं डिजिटल स्पेस में, यू एंड मी, सो कितना इम्पोर्टेंस है आपके लिए? देखिए मैं यहाँ पर ना एक सिंपल एनालॉजी देना चाहता हूँ. यदु आप जो सिखाते हो, मैं जो सिखाता हूँ, आज स्कूल कॉलेज में जो सिखाया जाता है या यूनिवर्सिटीज में या MBA प्रोग्राम्स में या साइंटिस्ट जो सीखते हैं सिखाते हैं, सब कुछ यूट्यूब पर अवेलेबल है. राइट. ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो आप यूट्यूब या गूगल या चैट GPT से निकाल नहीं सकते. बिल्कुल. राइट. लेकिन एक बात का जवाब दो, क्या किताब खरीदने से आप डॉक्टर बन जाओगे? नहीं. उस नॉलेज को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कैसे करोगे? ये सिखाने के लिए, समझाने के लिए और पीछे से एक धक्का देने के लिए एक टीचर, एक मेंटोर, एक गुरु, एक दोस्त की जरूरत पड़ती है, जो यहां पर आप कर रहे हो, मैं कर रहा हूं और हमारी कम्युनिटी कर रही है. यहां पर पैसा जो है ये उस नॉलेज का नहीं है, यहां पैसा है कि उस नॉलेज को आपकी लाइफ में इंप्लीमेंटेबल बनाना है. आप लोगों को, आप ऑडियंस को ये काबिलियत दिलानी है कि आप इसे यूज कर पाओ, और ये काम सारे टीचर्स और मेंटोर्स करते हैं. अब यहां पर स्टूडेंट्स जो आपने हाईलाइट किया, गड़बड़ ये करते हैं, दे स्टार्ट फॉलोइंग अ लॉट ऑफ चैनल्स. मेरा कहना है इट इज ओके, आप हजारों लोगों को फॉलो करो, हजारों टीचर्स हैं, हजारों गुरु हैं, हजारों मेंटोर्स हैं जो आपको सिखाते हैं. सिर्फ मेरी एक काइंड रिक्वेस्ट है आपसे, एक समय पर एक, अगर आप किसी एक टीचर एक मेंटोर के पास हैं तो उसे उसका काम तो करने दो. वो कहेगा आपसे कुछ, आप कहोगे हाँ मैं करता हूं, आधे घंटे बाद किसी और की बात सुन रहे हो, वो कहेगा कुछ और, फिर उसे भी कहोगे हाँ मैं कर रहा हूं, 10 लोगों की बातें सुनोगे, करोगे कुछ भी नहीं. और इस पॉइंट पर एक मुद्दे की बात बताता हूं कि इस समय इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, डिजिटल नॉलेज ये एडिक्शन बन चुका है. दिस इज एन एडिक्शन. मैं देखता हूं लोगों को आजकल सुबह उठते ही 2-4 मोटिवेशनल वीडियोस देखने की लत लग चुकी है, एंड इट इज लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. मैं फार्मासिस्ट हूं इसलिए ये शब्द बता रहा हूं. जब आप एक एंटीबायोटिक लेते हो ना बहुत समय के लिए, तो वह एंटीबायोटिक आपके शरीर पर असर दिखाना बंद कर देता है. सेम हो रहा है आज मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और नॉलेज के साथ. अगर आप 10 जगहों से लेना शुरू करोगे और काम कुछ नहीं करोगे, कुछ समय में
ये नॉलेज आप पर इफेक्ट करना बंद कर देगा, यू विल बिकम इनर्ट। तो इस ट्रैप में फंसो मत। आपने अगर एक टीचर एक कोच चुना है, उसे फॉलो करो, उसका सिस्टम कंप्लीट करो, सीख लो जो भी वो सिखा रहा है, उसके बाद आप चेंज करो, सेकंड के पास जाओ, थर्ड के पास जाओ, फोर्थ के पास जाओ, हजार करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन काइंड रिक्वेस्ट है सबसे कि एक समय पर एक टीचर एक मेंटोर को फॉलो करें और उसे सरेंडर करें। जब आप देते हो ना किसी को, देखो पैसा इमटीरियल है, पैसा 2-5 हजार 10 हजार में ना हम कोई बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, ना आप कोई बहुत ज्यादा गरीब बनते हो। बात है कि आप अपना समय दे रहे हो, आप अपना ईगो दे रहे हो, आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तो सरेंडर फुल्ली। एक बार सिस्टम में आने के बाद अपना ही दिमाग लगाना है, तो सिस्टम में आए ही क्यों? Yes. और हम कोई रॉकेट साइंटिस्ट नहीं है, हम आप ही के लोगों में से निकले हुए कुछ लोग हैं जिन्हें थोड़ा सा अनुभव है, जिन्होंने कर लिया है, थोड़े से पैसे कमा लिए, ये ट्रॉफी वॉफी आ गई, वो सिल्वर बटन आ गया, सब हमने कर लिया ना, तो हम अनुभव से आपको बता रहे हैं कि ये करो ये मत करो। वो आपकी लाइफ में तभी इफेक्ट होगा जब आप सरेंडर करोगे 100%। और मेरी लाइफ में मेरे टीचर्स, मेरे मेंटर्स, मेरे गुरुओं की अहमियत इतनी है कि अगर मुझे मेरा गुरु कह देना कि संदीप तूने एक टांग पे खड़े रहकर आज से वेबिनार करने, तो मैं वो करना शुरू करूं। क्योंकि हम 100% सरेंडर्ड हैं और इसीलिए आज हमारे पास रिजल्ट्स हैं। यस, ग्रेट। ये इंडिया में है एक चीज की जो सबसे बड़ी मासेस है वो राय और चाय के पीछे भागती है। लाइक मुझे जो पूरा अनुभव मिला है जीवन में कि सबसे पहले राय लेते हैं इधर उधर से क्या करना चाहिए, फिर वो राय लेते लेते लोग चाय भी पिलाते हैं, बताते भी, हर एक आदमी ज्ञान देता है, मतलब किसी से भी जाओ ज्ञान मिलेगा, फिर उस ट्रैप में वो फंसते जाते हैं, फिर वहाँ डीमोटिवेशन भी होती है क्योंकि मोटिवेशनल तो सब चीज़ें फॉलो करते करते फिर डीमोटिवेशन और एक पूरा एंजाइटी वाली जर्नी, लोनलीनेस में चले जाते हैं। लाइक इस तरह से एक ट्रैप में चलते हैं, बट द मेंटर हु इज इम्प्लीमेंटर और वो सेम पाथ पे चल रहे हैं, सो जस्ट आपको भी सेम काइंड ऑफ रिजल्ट मिलते हैं जैसे हमें मिल रहे हैं। सो सर, थैंक यू सो मच फॉर द कमिंग ऑन दिस स्टेज। आज आपसे भी जो नॉलेज ली है ये व्यूअर्स के लिए तो बहुत हेल्पफुल रही है, और ये पूरी जो जर्नी रही है आपसे, जो आपने एक तरह से स्टेप बाय स्टेप जी है पूरा देखा जाए, तो वहाँ से मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है पर्सनली। थैंक यू सो मच फॉर द कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और मैं ये चाहूँगा जिन्होंने भी ये वीडियो देखा है, इसके पार्ट्स बन सकते हैं या एक पूरा ये पॉडकास्ट हम रखेंगे, तो आप एक चीज़ समझेंगे, ये आपके लिए रिकॉर्ड करा गया था जहाँ पर आपने बारीकी से समझा संदीप जी को कि कैसे एक डिजिटल मार्केटिंग से 0-6 crore प्लस विद इन अ 2 years में हिट करे, और डिजिटल मार्केटिंग का आपको संपूर्ण जो एसेंस था आज इस पॉडकास्ट से देखने को मिला। अगर आप अभी भी अगर कहीं लैग करते हैं अपने बिजनेस की जर्नी को, ऑनलाइन स्पेस में आप ऑनलाइन जैसे ऑफलाइन मार्केट है वैसे ही ऑनलाइन मार्केट है, बट दिस इज़ द डिफरेंट जहाँ आपको कुछ स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके आप अचीव कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जो भी चीज़ें सीखने को मिली हैं आप संदीप जी से सीख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग, ये पूरी तरह से डिजिटल आज़ादी, आपको एक तरह का बहुत अच्छा कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं भारत में। इसके साथ ही अगर आप जो भी वैल्यूएबल कंटेंट में से जो भी चीज़ आपको अच्छी लगी है कमेंट बॉक्स में जाएं, ज़रूर बताएं। सर, आप कुछ जाते जाते बोलना चाहते हैं कुछ? सर, मैं ऑडियंस के लिए तो ये कहना चाहूँगा कि देखो नॉलेज बहुत है दुनिया में, सवाल ये है कि आप कितना इम्प्लीमेंट करने की ताकत रखते हो। ध्यान में एक बात रखनी चाहिए, आपको पैसा उतना ही मिलने वाला है अपनी जिंदगी में कि जितनी आपकी काबिलियत है। तो अगर अच्छे पैसे कमाने हैं तो अपने आप को काबिल बनाइए, स्टार्ट लर्निंग, स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग, ऑटोमेटिकली अर्निंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि लर्निंग के अंदर एल हटा दो तो बाकी अर्निंग ही बचता है। तो लर्निंग में अर्निंग छुपी हुई है, आप प्लीज सीखना शुरू कीजिए, इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए। साथ ही यदु, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपनी कम्युनिटी को सर्व करने की, सेवा करने का ये मौका दिया। अगर मेरा नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंस किसी भी तरीके से आपके किसी भी कम्युनिटी मेंबर को हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है, तो ये मेरा और डिजिटल आजादी का सौभाग्य होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।